हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 16 फरवरी 2024। आइए बिना किसी देरी से आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूँ कि यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं वो आपकी बाइलिंगुअल में होती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं। तो बहुत अच्छे से समझिएगा और इसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा ताकि आपका करंट अफेयर में एक तरह से पकड़ बना सके और रिविजन के लिए आपके पास सोर्सेस रहे। ठीक है, तो पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सुमंगलम योजना जो है उसको यहाँ पे उसमें बढ़ोतरी यहाँ पे कर दी गई है। पहले यहाँ पे सालाना जो था वो लड़कियों को 15,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है सुमंगला। क्या है सुमंगला योजना? वह है जो लड़कियों को सालाना जो है वो एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, उनके बर्थ से लेकर के उनके एजुकेशन को लेकर ग्रेजुएशन तक उनको यहाँ पे सालाना जो है वो 25,000 यहाँ पे यूपी सरकार के द्वारा दिया जाता है ताकि किसी भी तरह का कोई भी रुकावट उनके शिक्षा के क्षेत्र में ना आने को मिल सके, उसको लेकर के बेसिकली ये योजना जो है वो यहाँ पे निकाली गई है। कन्या सुमंगला योजना जो है उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी दी गई है, यहाँ पे ये बढ़ोतरी जो है ये बढ़ा करके 25,000 कर दी गई है। पहले कितना दिया जाता था सुमंगला योजना के तहत? अप्रैल से ये लागू होगा, ये ध्यान रखिएगा, अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी और जितने भी लाभार्थी हैं उनको 15,000 जिनको मिलता था अब वो बढ़ा करके उनको 25,000 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा और ये सालाना दिया जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं। गवर्नमेंट जो था गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे 17 लाख बेटियों को सालाना यहाँ पे इस स्कीम से मुहैया कराया जा रहा है, 15,000 रुपये यहाँ पे दिया जा रहा है, अब उनको 15,000 के जगह 25,000 रुपये दिया जाएगा। ये अप्रैल से इसको स्टार्ट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ साथ ये तो उनकी पढ़ाई को लेकर के हो गया, लेकिन एक सामूहिक विवाह योजना भी यहाँ पे चल रहा है यूपी सरकार के द्वारा, और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत राज्य सरकार जो है वो यहाँ पे मैरिज कंडक्ट कराती है। मैरिज 2017 से 3 लाख शादियाँ यहाँ पे करा चुकी है यूपी सरकार और इसमें टोटल जो खर्च हुई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 51,000 रुपये पर कपल यहाँ पे सपोर्ट प्रदान किया जाता है, यहाँ पे खर्च किए जाते हैं किसी भी बेटी के शादी को लेकर के इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत, ये ध्यान रख सकते हैं। 3 लाख मैरिजेस यहाँ पे करा चुकी है यूपी सरकार 2017 से अब तक, 51,000 रुपये पर कपल यहाँ पे सहायता जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत अच्छा यहाँ पे स्टेप्स यहाँ लिए जा रहे हैं यूपी सरकार की तरफ से। पहले 15,000 दिया जाता था, अब 25,000 दिया जा रहा है ताकि जो बेटियाँ हैं उनका जन्म से लेकर के जो स्नातक परीक्षा तक उनको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीम फैसिलिटेट एजुकेशन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड राइट फ्रॉम हर बर्थ टिल एजुकेशन, यानी जन्म से लेकर के उसके ग्रेजुएशन तक ये सपोर्ट यहाँ पे इनको यूपी सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, ये पहला न्यूज़ था। दूसरा न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत मार्ट, यहाँ पे अभी मोदी जी यूएई में है और वहाँ पे इन्होंने क्या किया है भारत मार्ट का शुभारंभ किया है, आयोजन किया है, ओपनिंग की है। तो यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा गया भारत मार्ट का, कहाँ पे? दुबई में, दुबई में। ठीक है, यहाँ पे मोदी जी जो है दुबई के प्रधानमंत्री के साथ राशिद अल मक्तूम जो है उनके साथ यहाँ पे भारत मार्ट का नींव रखा गया है। ये पहल जो है ये डीपी वर्ल्ड के तरफ से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है और एक बहुत अच्छा स्टेप यहाँ पे लिया गया है इंडिया और यूएई के फ्रेंडशिप को और एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने को लेकर के। ये जो भारत मार्ट है ये एक तरह से हेल्प करता है एमएसएमई सेक्टर में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए इंडिया से, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, अपने अपनी जो बाजार है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सके, उसी को लेकर के यहाँ पे ये भारत मार्ट जो है वो उसकी ओपनिंग दुबई में देखने को मिली है, मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो भारत मार्ट का लक्ष्य जो है भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए एक मंच क्या करता है प्रदान करता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी चीज़ों को ले जाना, अपनी चीज़ों को एक्सपेंड करना, उसी से रिलेटेड ये स्टेप्स यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे अगला न्यूज़ जो है ये है वीरेंद्र सिंह, हवलदार वीरेंद्र सिंह, इनके द्वारा ड्रोन जो है अनमैंड एरियल व्हीकल डेवलप किया गया, जिसको लेकर के इनको
विशिष्ट मेडल यहाँ पे दिया गया, विशिष्ट सेवा मेडल से इनको सम्मानित किया गया। विशिष्ट सेवा पदक वरिंदर सिंह को यहाँ पे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और ये विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो बेसिकली यहाँ पे दिया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट के हवलदार वरिंदर सिंह को बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर के विकास के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। ऑक्टोकॉप्टर इनके द्वारा डेवलप किया गया, देख सकते हैं आपके सामने है। और इसी चीज को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको विशिष्ट सेवा मेडल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये जो ऑक्टो ऑक्टोकॉप्टर है ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। एक तरह से ये क्या है, ये ड्रोन ही है। ड्रोन क्या होता है, अनमैंड एरियल व्हीकल कहलाता है। और ये क्या करता है, ये बहुत सारे ऑपरेशंस को क्या कर सकता है, कर सकता है। जैसे ग्रेनाइड को ड्रॉप करना इसके तरफ से किया जा सकता है, किसी टारगेट में वेपन्स का यूज़ करके उसको ऑपरेट करना ये भी इनके द्वारा किया जाता है। और वो कोई मामूली वेपन नहीं है, AK-47 जैसे हथियारों के साथ हवाई लक्ष्य पर हमला करने के लिए ये आपका जो ऑक्टोकॉप्टर है वो आपका रेडी रहता है। और संचालन करने में भी ये पूरी तरह से सक्रिय है, ठीक है, सक्षम है। उसी को लेकर के ये बेसिकली इनके द्वारा ये डेवलप किया गया है वरिंदर सिंह के द्वारा। और इसी चीज़ को लेकर के द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। ठीक है, क्लियर, सर में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अहल मोदी, यहाँ पे मोदी जी के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है। मोदी जी ने सीबीएसई ऑफिस जो है वह यहाँ पे दुबई में ओपनिंग करने को लेकर के यहाँ पे घोषणा दी है। सीबीएसई ऑफिस, समझ रहे हैं, सीबीएसई ऑफिस अब कहाँ पे भी ओपन होने जा रहा है, तो ये बेसिकली दुबई में ये नया सीबीएसई कार्यालय जो है वो खोलने की घोषणा यहाँ पे मोदी जी के द्वारा की जा चुकी है। देखिए यहाँ पे तो आप कह रहे होंगे दुबई में भी बहुत सारे हमारे भारतीय जो है वो हर एक देश में आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग 1.5 लाख इंडियन स्टूडेंट जो है वो यूएई के स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके फैसिलिटी के लिए यहाँ पे सीबीएसई ऑफिस जो है वो एक तरह से दुबई में खोलने की घोषणा की गई है, ताकि एक तरह से शीर्ष स्तरीय शिक्षा का यहाँ पे इनके द्वारा वादा किया गया है। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि ये जो ऑफिस है वो एक तरह से 1.5 लाख स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और इसकी इसके साथ साथ पिछले महीने अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली कैंपस का भी इनके द्वारा शुरू करने को लेकर के शुरू किया गया। आईआईटी दिल्ली कैंपस भी पिछले 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 मंथ यहाँ पे इसको ओपन किया गया है। दिल्ली परिसर में मास्टर कोर्स शुरू किया गया है आईआईटी दिल्ली कैंपस कहाँ पे, अबू धाबी में। और एक नया सीबीएसई ऑफिस अब यहाँ पे खोलने को लेकर के प्लान किया जा रहा है। देख सकते हैं अबू धाबी और दुबई में, ये दोनों जगह पूरी तरह से इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रहे हैं यहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करने को लेकर के, ताकि जितने भी भारतीय यहाँ रहते हैं उन सभी को ये सारी चीज़ों से फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके। दो जगह बेसिकली ये फोकस किया जा रहा है, ये यूएई आप देख सकते हैं, यूएई इसके बाउंड्री जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ टच कर रहा है, इसके साथ साथ ओमान कंट्री के साथ टच कर रहा है। ये ओमान की खाड़ी आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यहाँ से जब ओमान की खाड़ी से पर्शियन गल्फ की तरफ बढ़ते हैं तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहलाता है। ठीक है, इस रास्ते से होकर के आते हैं, देखिए थोड़ा सा जूम करता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये ओमान की खाड़ी है, ठीक है, ओमान की खाड़ी, ओमान आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये रास्ता को क्या कहा जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यहाँ पे पर्शियन गल्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो सारी चीज़ें की जा रही है, देख सकते हैं अबू धाबी में यहाँ पे आपको यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहीं पे आप देख सकते हैं जो आईआईटी दिल्ली का कैंपस है यहाँ पे खुला गया। यहाँ पे दुबई देख सकते हैं, दुबई में ही यहाँ पे सीबीएसई ऑफिस ओपन करने का प्लान किया जा रहा है। तो ये दोनों जगह है जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने को लेकर के यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऊपर ईरान है, यहाँ कतर है, ये अबू धाबी इसका कैपिटल है, यूएई मिडिल ईस्ट का बेसिकली देश है। और ये एक तरह से यहाँ की करेंसी जो है वो दिरहम है, याद रखिएगा। जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे मोनार्की इमरेट है, यहाँ पे पॉपुलेशन 93 लाख है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम इन्हीं के साथ मिल करके ये सीबीएसई ऑफिस ओपन करने को लेकर के इन मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जैयद अल नहियन है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है,
तो देख सकते हैं कितनी बारीकी से हर एक टॉपिक को आपको मैं यहाँ पे फिगर के साथ, मैप के साथ कवर करा रहा हूँ। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अगला यहाँ पे न्यूज़ जो है वो इसरो से रिलेटेड है। इसरो कल के डेट में यानी 17 फरवरी को एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। वो सैटेलाइट जो है वो आपका वेदर को डिटेक्ट करेगा, वेदर को मॉनिटर करेगा। एक वेदर सैटेलाइट है जिसका नाम है इनसेट 3DS, ये लॉन्च करेगा। ये लॉन्च कब करेगा? ये 17 फरवरी को लॉन्च करने का डेट निर्धारित किया गया है। इनसेट 3DS ये किस लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV F14, F14 जो लॉन्च व्हीकल है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F14 पर इसको लॉन्च किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वेदर सैटेलाइट क्या होता है? वेदर सैटेलाइट पूरी तरह से क्या करता है, जमीनी जमीन को, समुद्र को ये क्या करता है, मॉनिटर करता है, सरफेस मॉनिटर करता है। एक तरह से ये क्या है, मौसम पूर्व अनुमान और आपदा चेतावनी को बढ़ावा देने के लिए, यानी ये पूरी तरह से लैंड सरफेस और ओशन सरफेस को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। और एक तरह से क्या करेगा, आपको पूरी तरह से मौसम संबंधी जो टिप्पणियां हैं, मौसम संबंधी जो चीज़ें हैं, वो आपको क्या करेगा, उसकी निगरानी करेगा और डिज़ाइन करके आपको पहले से ही बताएगा। अगर कोई भी डिजास्टर होने वाला होगा या कोई आपदा आने वाली होगी तो उसका प्रिडिक्शन ये पहले ही करके इन्फॉर्मेशन पहुँचा देगा और उस हिसाब से हम अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं, ताकि कैजुअलिटीज जो है, जो अफेक्शन है, वो सारी चीज़ें कम से कम हो, इफेक्ट सारी चीज़ें कम करें। उसी चीज़ को लेकर के ये बेसिकली सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। कहाँ से लॉन्च किया जाता है? श्रीहरिकोटा से, ये ध्यान रखिएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर वहीं पर है, वहीं से इसको लॉन्च किया जाएगा और इसको लॉन्च कल के डेट में किया जाएगा, ठीक है। एक तरह से मौसम पूर्व अनुमान और आपदा चेतावनी को बढ़ावा देने के लिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है इसरो के द्वारा। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर यहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा। श्रीहरिकोटा दिख रहा है आपको, यहीं से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है, याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला यहाँ पे जो न्यूज़ है वो तमिलनाडु के सरकार के तरफ से, तो यहाँ पे एमके स्टालिन साहब जो है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है तमिलनाडु, उनके द्वारा एक यहाँ पे विरोध किया गया है, ठीक है, खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया गया है। और मुख्यमंत्री स्टालिन के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव का जो जो चल रहा है उसके खिलाफ प्रस्ताव इनके द्वारा पेश किया गया है। इनके द्वारा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक रिजोल्यूशंस को पेश किया है, ठीक है। इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया है तमिलनाडु असेंबली में, और उस प्रस्ताव के तहत जो वन नेशन वन इलेक्शन जो पॉलिसी है, वन एक राष्ट्र एक चुनाव वाली जो नीति है, ठीक है, उसके विरुद्ध यहाँ पे इनके द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया है। और यहाँ पे नई जनगणना के आधार पर परिसीमन का विरोध करते हुए, इसका विरोध करते हुए इन्होंने ये प्रस्ताव को पेश किया है। इनके तरफ से ये कहा गया है कि भारत सरकार जो है, एक राष्ट्र एक चुनाव का जो प्रस्ताव है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य यह है कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराना है। तो ये चीज़ के खिलाफ यहाँ पे ये एक प्रस्ताव को पेश किया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रपोजल है भारतीय सरकार की तरफ से, उसको क्या करना है, उसके उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ ये इन्होंने यहाँ पे ये प्रस्ताव पेश किया है, ठीक है। इसके अंतर्गत वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जितने भी चुनाव आपके लोकसभा के होंगे या राज्यसभा के होंगे या राज्य विधानसभा की होगी, वो सब एक साथ कराने को लेकर के बात कही जा रही है। तो लोकसभा और राज्य के जितने विधानसभा के जो चुनाव हैं उसको एक साथ कराने के विरुद्ध यहाँ पे ये प्रस्ताव जो है वो इनके द्वारा यहाँ पे रखा गया है तमिलनाडु असेंबली में, ठीक है। इसका पोजीशन यहाँ पे किया गया, और इस ये जो कमेटी है ये यहाँ पे हेड किसके द्वारा की गई है, फॉर्मर रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन यानी जितने भी लोअर हाउस है पूरे इंडिया भर में, जितने हर राज्य में आपके लोअर हाउस देखने को मिलेगा, विधान सभा देखने को मिलेगा, उस विधानसभा और लोक के आपको पता है आगामी मई में इलेक्शंस होने वाले हैं लोकसभा के, उसी चीज़ को लेकर के इसके विरुद्ध में यहाँ पे ये जो तमिलनाडु असेंबली में यहाँ पे इनके विरुद्ध यहाँ पे ये रिजोल्यूशंस को पास किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है हिप्पोपोटामस से रिलेटेड। हिप्पोपोटामस दिवस भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। हिप्पोपोटामस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 15 फरवरी को, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए हिप्पोपोटामस का दिवस क्यों सेलिब्रेट करना
जरूरी हो गया है, क्योंकि सबसे पहला चीज अगर मैं बात बताऊं तो एक हिप्पोपोटामस है जिसको है पिग्मी हिप्पो, ये आपके इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है इनको। इंडेंजर्ड मतलब एक तरह से इंडेंजर्ड, लुप्त प्राय के कैटेगरी में इसको वर्गीकृत किया गया है, यानी IUCN के द्वारा। चलिए मुझे बताइएगा IUCN का फुल फॉर्म क्या है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन, क्वेश्चन अभी तक दिया नहीं ना आप लोग को। IUCN का इसका फुल फॉर्म बताइएगा, इसका हेड क्वार्टर बताइएगा और इसके चेयरपर्सन बताइएगा, ठीक है? ये तीन चीज बताइएगा मुझे, ये आपका पहला क्वेश्चन। तो IUCN के द्वारा इसको लुप्तप्राय के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है? तो ये एक तो पहली बात है, ये पूरे पृथ्वी में ये तीसरा सबसे बड़ा मैमल है, ये ध्यान रखिएगा, स्तनपायी प्राणी है, तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी प्रणाली देखने को मिलेगा। और लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं 5.9 मिलियन से 9,000 साल पहले भारतीय दरिया गोरे का घर था। आप देख सकते हैं पहले 9,000 साल पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे 5.9 मिलियन, यहाँ पे ये जो था इसकी संख्या थी। और पिग्मी जो, जैसा कि मैंने अभी बताया, हेप्पो जो है वो एक तरह से लुप्त प्राय कैटेगरी में इनको रखा गया है। बाकी कॉमन जो है, बाकी जो कॉमन जो दरियाई घोड़े हैं वो आपके क्या है, वल्नरेबल कैटेगरी में रखे गए हैं, यानी वो आप सामान्य दरियाई घोड़े को असुरक्षित के रूप में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है, असुरक्षित के कैटेगरी में इसको रखा गया है, तो उसी से रिलेटेड है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 2006 की बात यहाँ पे कही जा रही है, और हिप्पोस आज के डेट में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जाम्बिया और तांजेनिया में जैसे देशों में सबसे आम देखने को मिलेगा, वहाँ पे बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में वहाँ पे हिप्पो वहाँ रहते हैं, ठीक है? 20वीं सेंचुरी की बात करें तो ये अटेम्प्ट्स यहाँ पे रखे गए थे, हिप्पो को अमेरिका में लाने का प्रयास यहाँ पे किया गया था, तो उसी से रिलेटेड है। याद रखिएगा हिप्पोपोटामस डे 15 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन बताइएगा, ल्यूपर्ड, ल्यूपर्ड भारत में खत्म हो गया था, इसको भारत में आज के डेट में ये ल्यूपर्ड जो है ये इसको कहाँ से लाया गया है, किस कंट्री से लाया गया है और इसको कहाँ रखा गया है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मुझे ल्यूपर्ड के बारे में। अगला जो न्यूज़ है वो ड्रोन से रिलेटेड है, ड्रोन से रिलेटेड है और ये बेसिकली न्यूज़ जो है वो जम्मू में है। जम्मू को यहाँ पे पूरी तरह से एंटी ड्रोन सिस्टम के रूप में यहाँ पे विकसित किया गया, जम्मू में IIT जम्मू के द्वारा यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पे विकसित किया गया। और यहाँ की जो प्रोफेसर है करण नाथवानी के द्वारा, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है IIT जम्मू से, उनके द्वारा एक एंटी ड्रोन प्रणाली यहाँ पे पेश की गई है, एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पे पेश किया गया। ये सिस्टम जो है वो साउंड को डिटेक्ट करता है, ठीक है? एक तरह से पता चल पाता है कि जो जितने भी, क्योंकि जम्मू जो है वो आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान से सटा हुआ आपका यूटी है, ठीक है? तो जो भी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से आ रही है उसको बहुत अच्छे से ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है? और डिटेक्ट करके बता सकता है कि सामने से वो पक्षी है या ड्रोन है। एक मूवी आई थी उड़ी, देखी आप लोगों ने? उड़ी मूवी आई थी, देखी थी आप लोगों ने? उसमें देख सकते हैं कि एक लड़का रहता है DRDO का, उसने टाइम पास के लिए क्या बनाया था, चलिए मुझे बताइए उस ड्रोन का नाम क्या था जो उसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो उसी का यूज वहां पे जो मिशन था उसमें यूज किया गया था, ठीक है? तो वो आप देख सकते हैं वो जो ड्रोन बनाया गया था उनके द्वारा वो एक तरह से क्या था, एक पक्षी के रूप में था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो पक्षी है लेकिन वो पक्षी नहीं था, वो ड्रोन था। तो इस तरह की चीज़ें जो है अगर पाकिस्तान की तरफ से आती है, अगर पाकिस्तान उसी बर्ड शेप में कोई ड्रोन बना करके इंडिया में आ करके चेक करता है तो उसको यहाँ पे खास करके डिटेक्ट कर लिया जाएगा इसके द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम के माध्यम से, यहाँ डिटेक्ट हो जाएगा कि ये रियल में पक्षी है या कोई ड्रोन है पक्षी के रूप में। तो उसी को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे साउंड बेस्ड यहाँ पे सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है, ठीक है? ये ध्यान रख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन के आंसर देते हुए चलिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा पुरान यहाँ पे लॉन्च किया गया, पुरान यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, पुरान प्रणाली को यहाँ पे शुरू किया गया, ठीक है? तो
ये बेसिकली क्या है, इसका अनावरण किया, पुराण क्या है, एक तरह से आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन गुरुमुखी लिपि टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए ये पुराण का अनावरण किया है। ठीक है, तो एक तरह से गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये पुराण प्रणाली को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको बेसिकली अनविल किया गया, इसका अनावरण किया गया है। इसको जो डेवलप किया गया डॉक्टर अमनदीप वर्मा के द्वारा, यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, और ये सॉरी अमनदीप के मार्गदर्शन से गुरजोत सिंह के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अमनदीप वर्मा के गाइडेंस के साथ इसको जो डेवलप किया गया है वो गुरजोत सिंह माही के द्वारा इसको विकसित किया गया है। देखिए, ये जो पुराण है, पुराण जो है वो एक तरह से क्या है, इनोवेटिव सिस्टम है। ठीक है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्या करता है, इसको और बेहतर बनाता है। ठीक है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का जो टाइटल रखा गया है यहाँ पे, इसको इसको इस ये जो सिस्टम जो यहाँ पे लाया गया है, इसको यहाँ पे अवार्ड भी मिला है। इसको यहाँ पे बेस्ट रिसर्च पेपर के रूप में द सिस्टम अर्न द टाइटल ऑफ बेस्ट रिसर्च पेपर का टाइटल जो है वो इसको मिला है पुराण सिस्टम को। और ये कहाँ मिला है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मिला है, जो एक तरह से कहाँ पे हुआ था, कोचिकोट केरला में। किस तरह से, न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंजीनियरिंग में, इसको कोचिकोट केरला में इसको यहाँ पे ये अवार्ड से अर्जित किया गया। तो प्रणाली ने केवल के कोचिकोट में इंजीनियर में नए भारत नए उभरते रुझान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र का यहाँ पे खिताब जो है वो अर्जित किया है। तो पुरान सिस्टम को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र यानी बेस्ट रिसर्च पेपर के रूप में यहाँ पे इसको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, अर्जित किया गया है, ये अवार्ड दिया गया है, टाइटल दिया गया है। टाइटल से याद आया, भारत में क्या किसी को हम टाइटल दे सकते हैं क्या, वो मुझे बताइएगा। टाइटल से रिलेटेड एक अनुच्छेद है, वो कौन से अनुच्छेद है वो बताइएगा और उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे मैंने पूछ दिया है कि भारत में क्या किसी को हम टाइटल दे सकते हैं, भारत में जो लोग रह रहे हैं, या इससे रिलेटेड एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद के बारे में बताइएगा और उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आज के डेट में न्यूज़ में बने हुए, क्योंकि जितने भी किसान हैं वो हरियाणा, पंजाब, यूपी से वो सब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और उन्हीं को यहाँ पे रोकने के लिए यहाँ पे पहली बार हरियाणा सरकार के द्वारा आंसू गैस यहाँ पे यूज़ किया गया, टीयर गैस यहाँ पे यूज़ किया गया। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस ने यहाँ पे ये पहली, आपकी देख सकते हैं, पहली फोर्स है, पहली सेना है जो ड्रोन्स का यूज़ कर रही है टीयर गैस के लिए। ठीक है, देख सकते हैं आंसू गैस के लिए ड्रोन का उपयोग कर, और ये गैस जो है वो बहुत बहुत एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही हमारे शरीर के लिए सही नहीं। ठीक है, इसके छिड़काव से आंखों में जलन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत ईचिंग्स होते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। तो हरियाणा पुलिस पहली, आपकी भारत में पहली ऐसी पुलिस है जिन्होंने आंसू गैस ड्रोन का उपयोग किया है। यहाँ पे जो ड्रोन्स होते हैं वो एक अनमैंड एरियल व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, ये हरियाणा पंजाब सीमा पर मानव रहित हवाई वाहनों के माध्यम से आंसू गैस के गोले तैनात यहाँ पे किए गए हैं। और एक तरह से क्या है, ड्रोन हरियाणा लिमिटेड की ड्रोन इमेजिंग और सूचना सेवा द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो ये जो ड्रोन है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा। ठीक है, जो कि हरियाणा में है। इस ड्रोन को उस तरह से डिजाइन किया गया है, ठीक है, ताकि एक तरह से क्या कर सके, कृषि में, एग्रीकल्चर में, सर्वेक्षण में और बागवानी फसलों की ये क्या कर सके, निगरानी कर सके। ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से क्षेत्रों की निगरानी के लिए डिजाइन इसको किया गया है, ताकि क्रॉप्स को देख सके, कृषि को देख सके और बागवानी फसलों को पे निगरानी कर सके। उस हिसाब से इस ड्रोन को जो है वो डेवलप किया गया है। ठीक है, तो आंसू गैस मुझे बताइएगा, आंसू गैस में कौन से केमिकल्स आपके मिले होते हैं ये मुझे बताइएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, आंसू गैस किसको कहते हैं। ठीक है, तो हरियाणा आप देख सकते हैं, हरियाणा के आप यहाँ पे पंजाब आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ यहाँ का कैपिटल हो गया, उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री टच कर रहा है, राजस्थान के साथ कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के साथ कर रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा,
दिल्ली, ठीक है, यहीं के तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, हिसार, याद आ रहा है क्या हुआ था? वो न्यूज़ थोड़ा सा मुझे बताइए तो, कितने लोगों को याद है? 5 राज्यों में बहुत बड़ा स्टेप लिए गए हैं, वो कौन से स्टेप लिए गए हैं? थोड़ा सा उसको कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ का कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है, यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, यहाँ के गवर्नर जो है वो दत्तात्रेय है, ठीक है। 22 जिला देखने को मिलेगा, राज्य फूल जो है वो लोटस है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ठीक है। अगला न्यूज़ जो है वो आपके पॉलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, इनका यहाँ पे फेयरवेल हुआ है, विदाई यहाँ पे की गई है। चलिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता है, मुझे बताइए चुनाव आयोग हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के तहत, इसके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयोग कौन है? मुख्य चुनाव आयोग का नाम बताइए, ठीक है। इसके साथ साथ इनके टर्म बताइए, कितने साल तक इनको नियुक्त किया जाता है और मैक्सिमम एज कितनी होती है, ठीक है, ये बताइए मुझे। इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो उनको रिजाइन किसके द्वारा दिलाया जाता है, वो मुझे बताइएगा, रिजाइन किसको देते हैं ये, ठीक है। रिजाइन और अपॉइंट दोनों बताइएगा किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और उसी तरह से इलेक्शन कमिश्नर का भी बताइएगा, रिजाइन और अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है। 11 क्वेश्चन मैंने पॉलिटी का आपको दे दिया, ये इलेक्शन कमीशन थे, ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमिश्नर थे। तो अभी इनका फेयरवेल हुआ है, 14 फरवरी को इनकी विदाई की गई, चुनाव आयोग के रूप में अपने पद से हटते हुए अनूप चंद्र पांडे को यहाँ पे विदाई दी गई है। जून 2021 में आयोग में ये शामिल हुए थे, ठीक है, और ये कमीशन 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया था। एक तरह से ये इसके पहले एनजीटी के भी सदस्य, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ओवरसाइट कमेटी के सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया था ये भी मुझे बताइएगा, किस वर्ष ये आया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है, अधिनियम जो है वो कब आया था ये मुझे बताइएगा। 12 क्वेश्चन दे दिया आप लोग को, या यहाँ देख सकते हैं ये है IIT जम्मू, ठीक है, इसी को यहाँ पे बेसिकली इन उद्घाटन यहाँ पे किया जाएगा, IIT जम्मू का, जो कि कहाँ पे है, सॉरी IIT जम्मू, एम्स जम्मू, सॉरी 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 सॉरी, 20 फरवरी को जम्मू में एम्स का उद्घाटन यहाँ पे PM मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। ये IIT जम्मू नहीं, सॉरी उस न्यूज़ से ओवरलैप हो गया, ये एम्स जम्मू है, ठीक है। एम्स जम्मू का उद्घाटन यहाँ पे 20 जनवरी मोदी जी के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, देख सकते हैं। और ये कहाँ पे, मौलाना आज़ाद स्टेडियम जो जम्मू में है वहीं पे, यहाँ पे 20 फरवरी को, सॉरी 20 फरवरी क्या हो रहा है, 20 फरवरी को इसका उद्घाटन होगा, 20 जनवरी नहीं है, 20 फरवरी को उद्घाटन होगा। और कहाँ होगा, मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जनता को यहाँ पे संबोधित यहाँ पे करेंगे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है मोदी जी जो है वो यहाँ पे उद्घाटन करेंगे, ठीक है। जैसे एम्स हॉस्पिटल हो गया, फ्लाईओवर आपके जम्मू में बन रहे हैं, उसका उद्घाटन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जो है वो भी उधम, यहीं जम्मू में ही आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, उधमपुर में चिनाब नदी के ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, और उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना देविका नदी परियोजना का भी उद्घाटन यहाँ पे करेंगे। देख सकते हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन करके तैयार हो गया है, अब इसको यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे किया जाएगा, चिनाब नदी के ऊपर ये ब्रिज ऐसे है, आर्क के ऊपर, ठीक है, इस तरह से ये ब्रिज है, और यहीं से ट्रेन आपका ऐसे होकर के नीचे, आपकी क्या है, नीचे चिनाब नदी है, ठीक है, उधमपुर में। अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, बुंदेलखंड में गौरव महोत्सव यहाँ पे हो रहा है, ये 13-14 फरवरी को यहाँ पे बेसिकली ये बुंदेलखंड में गौरव महोत्सव हुआ था, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ताकि क्या किया जा सके, एक तरह से चित्रकूट को यहाँ पे डेवलप करने की बात कही जा रही है, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे 13-14 फरवरी को यहाँ पे बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे किया जाएगा।
है। और बहुत सारे प्रोग्राम जो है, बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसके तहत शुभारंभ यहाँ पे किया गया, ठीक है। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के तहत पहली बार विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित यहाँ पे किया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। हिली रीजन इज नाउ डिवाइडेड बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का, ये एक तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का विभाजन करता है। और यहाँ पे झांसी जो है वो सबसे बड़ा शहर आप देख सकते हैं बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13-14 फरवरी को बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का शुभारंभ यहाँ पे किया गया, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। क्लियर, उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, IRCTC, सुना तो होगा, रेलवे में टिकट्स वगैरह बुक करने के लिए, फ्लाइट्स का टिकट बुक करने के लिए यहाँ पे IRCTC ऐप का यूज़ करते होंगे। तो संजय कुमार जैन के द्वारा यहाँ पे चार्ज लिया गया मैनेजिंग डायरेक्टर का, ठीक है। तो संजय कुमार जैन यहाँ पे CMD का कार्यभार यहाँ पे संभालेंगे, और एक तरह से ये तत्काल प्रभाव से संजय कुमार जैन को अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में यहाँ पे नियुक्त करने की घोषणा यहाँ पे की गई है। इस भूमिका से पहले वो क्या थे, वो चीफ कमर्शियल मैनेजर थे नॉर्दर्न रेलवे के। तो जैन उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक थे, याद रख सकते हैं। तो संजय कुमार जैन जो है वो प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर थे नॉर्दर्न रेलवे के, अब यहाँ पे ये जो है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे अप्रूव किया गया संजय कुमार जैन को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का CMD, और एक तरह से 31 दिसंबर 2026 तक ये इस पद पर रहेंगे या अगले आदेश तक, ठीक है, अगले आदेश तक। तत्काल अवशोषण के आधार पर रेल मंत्रालय ने CMD के रूप में इनको मंजूरी दे दी, अगले आदेश तक नहीं तो फिर 31 दिसंबर 2026 तक ये यहाँ रहेंगे, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज है। उत्तराखंड ने इमरजेंसी इमरजेंसी हेलीकॉप्टर सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्थ हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विसेस यहाँ पे शुरू किया है उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में भारत की पहली हेलीकॉप्टर देख सकते हैं, भारत की पहली हेलीकॉप्टर यहाँ पे संचालित होगी। और ये हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जो है ये कहाँ से ऑपरेट होगी, ये एम्स से ऑपरेट होगी ऋषिकेश में जो है, ठीक है। ये मेडिकल सर्विस जो है हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो है वो एक तरह से संजीवनी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, परियोजना जो है संजीवनी के तहत इसको क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। और एक बार ये चालू होने के बाद हेलीकॉप्टर 150 किलोमीटर के दायरे को कवर करते हुए एम्स ऋषिकेश में तैनात किए जाएंगे। देख सकते हैं 150 किलोमीटर के रेडियस को ये कवर करेगा और एक तरह से एम्स ऋषिकेश में इसको तैनात किया जाएगा। ये टाइमली दुर्घटना पीड़ित और मरीजों को पहाड़ी इलाकों से एम्स तक समय पर परिवहन सुनिश्चित करने को लेकर के इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है। तो उत्तराखंड में पहली बार यहाँ पे देख सकते हैं हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस यहाँ पे शुरुआत की गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये था पूरा आज का करंट अफेयर। आई होप सारे न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज का दिया हुआ है, सोशल मीडिया अकाउंट का दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और FB पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी करेंट अफेयर की क्लासेस रोज़ सुबह यहाँ पे कवर कर सकें। दोनों में आपको यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, बाइलिंगुअल में इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के जो स्टूडेंट हैं वो इसको कवर कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।